अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान इन दिनों शानदार बॉलिंग फॉर्म में हैं और अब उन्होंने तोड़ दिया है पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी का एक रिकॉर्ड। ईयर 2024 में अगर हम दुनिया भर में T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकटें हासिल करने वाले बॉलर्स की फहरिस्त पर नज़र डालें तो कुछ दिन पहले तक इस लिस्ट में पहला नंबर था पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी का, लेकिन अब ये रिकॉर्ड शाहीन आफरीदी से छिन गया है और बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान लंका प्रीमियर लीग में उमदा बॉलिंग करते हुए शाहीन आफरीदी से आगे निकल गए हैं। सिर्फ मुस्तफ़िज़ुर रहमान नहीं बल्कि अफगानिस्तान के नवीनुल हक ने भी शाहीन आफरीदी को बीट कर दिया है। इस वक्त अगर हम ईयर 2024 के स्टेटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो T20 फॉर्मेट में हमें टॉप टू बॉलर्स जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मुश्तरका तौर पे जो टॉप पर हैं वो बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान और अफगानिस्तान के नवीनुल हक हैं। दोनों की इस साल अब तक T20 क्रिकेट में 55 विकटें हैं। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 52 विकटें हासिल करते हुए अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तीसरे नंबर पर मुश्तरका तौर पर श्रीलंका के माथीशा पाथिराना और वेस्ट इंडीज़ के आंद्रे रसल हैं। इन दोनों की इस साल T20 फॉर्मेट में अब तक 45 विकटें हैं। चौथे नंबर पर अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट मुश्तरका तौर पर हैं। दोनों अब तक इस साल 44 विकटें हासिल कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में। पाँचवें नंबर की बात करें तो उस पर इंडिया के अर्शदीप सिंह, वेस्ट इंडीज़ के ओबेद मैकॉय और साउथ अफ्रीका के ऑटनेल बाटमैन 39 विकटों के साथ मुश्तरका तौर पर ये तीनों बॉलर्स पाँचवें नंबर पर है। ये तो बात हुई T20 फॉर्मेट की, लेकिन अगर हम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इस साल अभी भी T20 इंटरनेशनल्स में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा विकटें हासिल करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी के पास है। शाहीन आफरीदी इस साल T20 इंटरनेशनल मैचेस में 32 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा चुके हैं। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के रिशाद हुसैन हैं जिनकी T20 इंटरनेशनल्स में इस साल अब तक 26 विकटें हैं। तीसरे नंबर पर मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान के दोनों बॉलर हैं फजल हक फारूकी और नवीनुल हक, दोनों ने इस साल T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 24 विकटें हासिल कर रखी हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एडम सम्पा और बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान और हांगकॉन्ग के एहसान खान हैं। इन तीनों की 23 विकटें हैं T20 इंटरनेशनल्स में इस साल। और पाँचवें नंबर पर मुश्तरका तौर पर तीन बॉलर्स हैं, इनमें अफगानिस्तान के राशिद खान, सऊदी अरब के उस्मान नजीब और ओमान के आकिब इलियास। इन तीनों बॉलर्स की इस साल T20 इंटरनेशनल्स में 22 विकटें हैं। तो जिक्र हम कर रहे थे बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान का। मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने पहला T20 इंटरनेशनल बांग्लादेश की जानिब से मीरपुर ढाका में खेला था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था 24 अप्रैल 2015 को। और अगर हम वनडे इंटरनेशनल्स की बात करें तो उन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ 18 जून 2015 को मीरपुर ढाका ही में इंडिया के खिलाफ किया और टेस्ट डेब्यू उनका हुआ जुलाई 2015 में और ये मैच चिट्टूग्राम में खेला गया था। मध्य मुकाबल टीम थी साउथ अफ्रीका की।